तो आज अज्जू भाई मेरे लिए लेके आया था बहुत सारा जिसे सामान। देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश हुई थी। जिस तरह मैं प्रसन्नता से हंस रही थी उसी तरह भाई भी प्रसन्न हो रहा था और उसने मुझे चिल्लाया भी कि अमदा से ले। पता नहीं वो कहना क्या चाह रहा था लेकिन मुझे फिर भी समझ में आ गया था। साथ ही साथ वो अपने आप को प्रो प्लेयर समझ रहा था क्योंकि वो इतना सामान लेके आया था और आज तक उसने ज़िंदगी में कभी मुझे कुछ नहीं दिया है सिवाय इन मैगियों के। तो वो टोटल 4 पैकेट लेके आया था। मैं काउंट भी कर रही थी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो 4 पैकेट और कैसे साथ ले में वो आया। ये पैकेट लेके आया था फुल्की का, इसे क्या बोलते तो हैं यहाँ मुझे पर पता मैंने नहीं। कढ़ाई में तेल रखा था, उसके बाद ये सारा सामग्री काट ली थी और उसके बाद इसमें राई डाली और उसके बाद इसमें आलू डाला और साथ में प्याज भी डाल दिया था। मैं सूट नहीं कर पा रही थी क्योंकि मुझसे हम मोबाइल पकड़ते नहीं हो रहा था। उसके बाद मैंने इसमें टमाटर डाला और इसे अच्छे से भुनने दिया। फिर मैगी का जो मसाला आता है वो डाला, साथ में और भी मसाले डाले और फिर मैगी को बॉयल करके डाल दिया। मैं अलग से बॉयल करके डाल दी और इस तरह मेरी मैगी बनके तैयार है। साथ में एक चीज़ और रह गई है, मैंने एक तवे पे तेल लिया, उसमें अदरक लहसुन और मिर्ची का तड़का लगाकर मैगी में डाल दिया और इस प्रकार मेरी मैगी बनके तैयार है।